When I run fast, then I bowl fast. That's my theory. That's my theory of my body. That's all. When I don't run fast, I can't bowl very fast. When I take my... दुनिया में कुछ ही फास्ट बॉलर्स हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक बॉलर एक इंग्लिश इंटरव्यू में बताते हैं अपनी स्पीड के पीछे का सीक्रेट। उस बॉलर का नाम है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर साहब बताते हैं, व्हेन आई रन फास्ट देन आई बॉल फास्ट, व्हेन आई डोंट रन फास्ट आई कैन बॉल रियली फास्ट। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इतनी आसान चीजें प्लेयर फॉलो क्यों नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी गेम को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट काफ़ी चीज़ों से क्रिएट होता है, जैसे डिसिप्लिन, प्लेयर्स आसपास के प्लेयर्स के एफर्ट्स। इसी तरीके से तेज बॉलिंग एनवायरनमेंट यानी आपके दोस्त, आपके बॉलिंग पार्टनर्स कैसा माहौल बना कर रखते हैं आपके आसपास। अगर आपके सीनियर एफर्ट और तेज़ भागकर बॉलिंग करते हैं तो वहाँ से आपका बॉलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब सवाल ये है कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है, जहां आप प्रैक्टिस करते हैं आपको सबसे बेस्ट फील कराना है अपने आप को। बस इतनी सी चीज़ आपको भीड़ से आगे निकाल कर ले जाएगी और उसी दिन से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर देखा जाए तो किसी भी एथलीट को, किसी भी प्लेयर को रनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर को ऑर्डिनरी प्लेयर से अलग करती है। तो अगर आप 100% फोकस के साथ अगर अपनी रनिंग और स्प्रिंटिंग पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप बाकी प्लेयर से अलग दिखेंगे। तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंटिंग करें, स्प्रिंटिंग पर ध्यान दें। जब भी हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारे सारे बेसिक्स सही आ रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरीके से एक दिन मेरे कोच मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया, मैं काफ़ी परेशान था, उन्होंने बताया अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो आपका तेज़ बॉलर बनना का बहुत हद तक मुमकिन है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे इसमें पाएंगे कि बॉलर की रनिंग फॉर्म, बॉलर का हेड, बॉलर का मोमेंटम बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रॉपर रनिंग फॉर्म में। और ये सब होगा कैसे? ये सब होगा प्रैक्टिस से। सो कोशिश करनी है आपको कि आप 100% एफर्ट के साथ, 100% डिवोशन के साथ अपनी रनिंग फॉर्म पे आप काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंटिंग्स करें और देखते ही देखते आप अच्छा भागना शुरू हो जाएंगे और फिर आप बाकी चीज़ों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सही से कैसे भागना होता है, सही रनिंग फॉर्म क्या होती है, सही तरीके से आर्म कैसे चलाते हैं, सही तरीके का मोमेंटम कैसे जनरेट करते हैं, हिप डोमिनेंट के लिए क्या मोमेंटम होना चाहिए, नी डोमिनेंट के लिए कहाँ से भाग के आना होता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना। जय हिंद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।